एक कला वर्ती आ कि वो जो मतलब कि वह समागम आदि जान का उस डेट तो पहला पहले ही वो लोग नंगे हो गए ने जिन्होंने पूरी कौम कहा कि ये लोग गदार ने साडा जो सिद्धांत आ उन्होंने लोगों ना खड़िया जिन्होंने कोल कुछ नहीं जिहड़े जिहड़े कुछ भी कर नहीं सकते जिहड़े लोग दीप दीआं फोटोआं करके और पोलिटिकल तौर दे उत्ते जिहड़ी फोटोआं सन उहदा कद इदां दा सी कि उहदे करके उहनूं सब तों वध भंडिया गया ते अज उह लोग उहनां दे घरां च जा के उहनां दीआं इत्थों तक कि औरतां नाल वी जाम सांझा करदे रहे। हुण जदों नहीं कोई सहारा लभ्या हुण जिहड़े पंथक मोर्चे ने उहनां मोर्चे जा के वी अपनी कुर्सी ते अपनी जगह लभ रहे ने। इह उहनां दे इह माड़े हालातां दी निशानी होई आ। एक दीप जिहड़ा सी उह रूह इदां दी सी जिहड़े भी बंदे ने उहदे नाल चलाकी कीती आ जिहड़े बंदे ने उहदे नाल गद्दारी कीती आ उहदा इतिहास बहुत भैड़ा है। उह तां कैबिनेट मंत्री महकमे वंड के सौंदे हन जदों संघर्ष तों जित के तों वापस आए ना उदों इह गल ते सी वी मुख्यमंत्री कौण बणूगा फलाना महकमा किहड़ा लऊगा दूजा महकमा किहड़ा लऊगा। सानू जदों ये लोग टिचरां करदे साडे कोलों ना ऐ मतलब कि चौड़ियां एक कर करके लंघते होंगे अं सोचते होंगे भी जदों कि दौर आया कोई जदों माड़ी मोटी कितने सख्ती हुई हुकूमत की फिर असी तुहाडे नाल गल करांगे। सत श्री अकाल डेलीपोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ कुवरजोत सिंह उस जगह पर खड़े हाँ जिथे दीप सिद्धू की यादगार जिहड़ी आ बनन जा रही है। तो इस दे विच ही जे गल करदे आ साडे नाल समें बाबा बख्शीश मौजूद है गलबात इन्हां नाल कर लैंदे आ क्योंकि काफ़ी समा जे किसानी मोर्चे की गल करते हैं या होर भी गल्लां करते हैं तो काफ़ी समा इन्होंने दीप सिद्धू नाल बिताया। तो पहला तो फतेह सांझ पाते हैं वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। तो किदां देखते हो भी जरूर आप गल करते हैं यादगार बनने जा रही है वो नाम जिहड़ा शायद असीं कहिंदे आ भी रहिंदी दुनिया तक रहेगा उहदा भी नाम तो यादगार बनने जा रही है। यादगार दे विच जिथे स्थान भी जे गुरु का स्थान भी बनन जा रहा तो कोचिंग सेंटर भी नालों नाल बनन जा रहा अते ब्लड बैंक भी जिहड़ा बनन जा रहा। देखो सिक्खी का जिहड़ा सब तो पहला मुढ़ला असूल आ वह हैगा आ परोपकारी परोपकारी के तहत ही विद्या दी जाती आ उहदे तहत ही लंगर लाए जाते हैं उहदे तहत ही मजलूमां नाल खड़िया जाता है। सो उस दीप सिद्धू ने आ के जिहड़ी गल कीती सी उस परोपकारी दी कीती सी कि असी जोरावर जिहड़े ने जिहड़े लोगों के हकों के डाके मारते हैं उन्होंने खिलाफ सदा ही खड़ांगे तो खड़िया भी तो उस दौरान ही वो साडे तो विछड़ गया चले गया। तो वो जिहड़ी हुण रहिंदी गलबात आ वो जिहड़े वो नेड़े बंदे होंदे ने जां उहदी भावना नूं उहदी गल नूं समझदे होंदे ने उन्होंने ही अगे उन्हों लैके जाना होंदा रल मिल के है ना। उहदे विच चाहे तुसीं मीडिया चों चाहे कोई होर बंदा अपना सारिआं दा सहयोग हुंदा उहदे विच जिन्ना जिन्ना भी आपां कर सकदे आं। सो ये जिहड़ा कार्ज आ उहदे च सारिआं ने आपां सहयोग करना आ ते आपां चाहुंदे आ कि सब तों ज़्यादा जरूरत जे कि तुसीं जिंदगी देखो कई वारी आपां नूं पई आ लोड़ कि ब्लड की बहुत लोड़ आ ते उत्थे खज्जल खुआरी बहुत हुंदी आ ते असीं चाहुंदे आ भी इह पंजाब दा इस लैवल दा ब्लड बैंक होए जिथे लोकां दी खज्जल खुआरी ना होए क्योंकि हर थां दे उत्ते पहलां ब्लड जिहड़ा है उह दित्ता जांदा आ ते फिर उन्हों वापस उहदी बोतल दित्ती जांदी आ तां उह भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली ते दित्ती जांदी आ। सो असीं कोशिश करांगे परमात्मा मेहर करे कि लोकां नूं परोपकारी कीता जावे जिहदे च कोई इदां दी गुंजाइश ना होए कोई मुनाफे दी जां कोई बिजनेस दी ये बिल्कुल ही इदां दी कोई गल नहीं होगी। ये जिहड़े मजलूम लोग ने जिहड़े लोग पैसा दे सकते ने किते भी उन्हां लोकां तों तां मैनू मैं जे मैं इस मैनेजमेंट विच कम करूँगा तो मैं कहांगा कि दान दे तौर ते वह एक बोतल दे बजाय पंज दा भी दे के जाण ते जिहड़े जिन्हां मजलूमां लई गरीबां लई जिन्हां जिहड़े अफोर्ड नहीं कर सकते जिहड़े लै ही नहीं सकते तो उन्होंने सगों होर भी जिहड़ियां कोई दवाइया जां होर इदां दी चीज़ असीं उहदे नाल भी कोशिश करांगे कि भविख च उन्हां नूं उह भी मुहैया कराया जाए कोई मैडिकल इदां दा खोलिया जाए गुरु नानक साहब दे नाँ ते दीप दे नाँ ते इहदे विच ही जिहड़ा आ किसान संघर्ष दे विच जिवें उन्हां दे नाल जदों असीं सारे गए आ उत्थे भाई नवरीत सिंह शहीद होए ने
इस तरह असी आप चाहते हैं भी इस चीज़ में अगे एक बार जो बूटा लग जाए तो वो इदा का इतों बहुत कुछ किया जाए जोड़ा साढ़े मन च भविख च असी कोशिश करा जी मैनेजमेंट आ उन्होंने भी बेनती करा कि जिन्हें भी दूर दुराडे लोग ने इस चीज़ का लाहा लै सकन क्योंकि जो कोई गरीब बंदा विआह करता जो कोई खुशी का करता तो वह अपना बजट वेख के करता है पर जो वो इदा की कोई मुसीबत आँदी है तो वो इदा का कोई बजट नहीं होंगे कि बजट तय कर सके भी मैं इन्ने लावगा सब तो वध मजबूरी वो उदों आँदी जो यह चीज़ों की लोड़ पैंदी है ब्लड की लोड़ पैंदी है ऑपरेशन की दूजी गल जी आई एस आई पी एस की कोचिंग वो इन्नी महंगी है कि साढ़े जोड़े मतलब कि मध वर्गी लोग ने जे महात्ड़ धमात्ड़ लोग ने वो तो इतक पहुँच नहीं सकते साढ़े बच्चे जोड़े ने कभी तुम देखो आप देखते हैं कि कोई डी सी नहीं बनता कोई उस लैवल पर जाता नहीं कोई जज नहीं बनता वो तड़िया मुसीबत आदि ने कि उन्होंने जोड़े इंस्टीट्यूट ने उन्होंने फंड ही इन्ने इन्ने लै लेंगे ने तो वह बंदा उत तक पहुँच नहीं सकता सो दीप की यह सोच सी कि असी जिमें गुरु साहब ने कहा कि जोड़ा खालसा है वह बादशाह है तो गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो खालसे तो लैके अज तक साडा जो सिद्धांत आ उन्हां लोगों नाल खड़िया जिन्हां दे कोल कुछ नहीं जिहड़े जिहड़े कुछ भी कर नहीं सकते उन्हां नाल खड़िया तो उन्हां लोगों नाल ही खड़ना चाहिए ये भी उन्हां नाल ही खड़ना होगा कि जिहड़ियां चीज़ां वो नहीं कर सकते वो आपां उन्हां नाल इत्थों करके दईए एक भी गल कहांगा पिछे विवाद भी एक हो गया जिहड़े दीप नूं गद्दार दा सर्टिफिकेट दे फिरदे सी वो आपस दे विच एक दूजे नूं गद्दार कही जांदे हो हाँ मैं असी ना साडी इक मीटिंग होई सी मस्तुआणा साहिब दे विच कि उदों कुछ बंदिया ने कोशिश की कि दीप ते लखे दी आपे च जिहड़ी इकट्ठे होकर तुरन कुछ लोगों ने चंगी गल सी चंगी पहल सी करनी चाहिए सी पर उत्थे कुछ गल्लां नूं मतलब मजाक वजों लिया गया जदों ये गल कहिंदा सी कि कला वरत रही आ शहीद सिंघां दा पहरा आ ये गल वो वार वार करदा सी वी कला वरतदी आ सो वो एक कला वरती आ कि उहदी जिहड़ा मतलब कि वह समागम आ उहदे जाण दा उस डेट तो पहला पहले ही वह लोग नंगे हो गए ने जिन्हां ने पूरी कौम नूं कहा कि ये लोग गद्दार ने उस उन्होंने लखे का भी जिक्र किया खास करके उन्होंने कहा कि दीप ही सारे संघर्ष का बेड़ा गर्क करता दीप ही इन्हों उ लै गया दीप ही यदा मोढ़ी से बीजेपी का बंदा सी बहुत कुछ उन्होंने किया तो आप उन्होंने वड्डे लीडर ने चाहे उन्हां दी जमीर ला लो चाहे उन्हां तो ये बोझ चुकया नहीं गया मैं हरनेक सिंह महमा ने भी इस गल की वधाई ही देना कि जिहड़ा कौम का मेहना लैके नहीं मरना चाहिए दीप वार बार कहिंदा सी ते बोझ भी नहीं लैके मरना चाहिए सच नूं बयान करना चाहिए भावें उन्होंने देर नाल कीता पर बहुत दुरुस्त किया जिहड़े लोग दीप दीयां फोटोआं करके और पोलिटिकल तौर दे उत्ते जिहड़ियां फोटोआं सन उहदा कद इदां दा सी कि उहदे करके उहनूं सब तो वध भंडिया गया तो अज वो लोग उहनां दे घरां च जा के उहनां दीयां इत्थों तक कि औरतां नाल भी जाम सांझा करदे रहे लोग दीप दी सोच ने ते दीप दे सच ने अज चुराहे च नंगे किए ने और वो आपे जी लड़ लड़ के मर चले ने हुण जदों नहीं कोई सहारा लभ्या हुण जिहड़े पंथक मोर्चे ने उन्हां मोर्चें जाके भी अपनी कुर्सी ते अपनी जगह लभ रहे ने ये उन्हां दे ये माड़े हालातों की निशानी हुई आ फिर भी तुसीं वेखो बेशर्मी की हद हुंदी आ वड्डे लीडर ये गल कह रहे ने तां मन नहीं रहे ईवन सगों जे तुहाडे च दलेरी आ जां इदां दी गल हैगी आ चलदे संघर्षां च लोकां तों गलतियां भी हो जांदियां ने भुल्लां भी हो जांदियां ने इस गल नूं खिड़े मत्थे प्रवान करना चाहीदा वी दीप सही सी साडे तों गलतियां होईयां ने असीं गलतियां कीतियां ने कौम सानूं माफ़ करे लोक सानूं माफ़ करन लखां किसानां लोकां दा जिहड़ा विश्वास उहनां ने दाअ ते लाया उहदी मार तां पैणी सी ते इक दीप जिहड़ा सी उह रूह इदां दी सी जिहड़े भी बंदे ने उहदे नाल चलाकी कीती आ जिहड़े बंदे ने उहदे नाल गद्दारी कीती आ उहदा इत्थे हशर बहुत भैड़ा होया जी ते होर होऊगा भी अगे जी मनजीत धनेर नाल भी मैं गलबात की वह कहते सके ये तो गल हैगी हैगी 7-8 लाख रुपये का गबन भी बेचे बड़ा होया उन्होंने ये गल करोड़ का 7 लाख वो तो मोर्चे दे विच होया चलो वो मोर्चे की गल करते हैं वैसे कहते भी कलैक्शन 2 पिंडा तो की गई तो कलैक्शन आई नहीं हाँ जी हाँ बिल्कुल देखो मैं तुहानू उही गल कहना कि मनजीत धनेर हो गए जो बंदे ने संघर्षी बंदे ने चाहे उन्होंने उस लैवल की गल ना हो पर संघर्षी है जो गल करते हैं साढ़े नाल भी उन्हों का बड़ी बड़ी तालमेल होया जेल जुल कट्टी उन्होंने कुट्टां बड़ियां खाधियां ने सारा कुछ इदा का उन्होंने झल्लिया है तो यह गल उन्हों की सही है कि पिंड लैवल तो लैके सेंटर तक जिहड़े फंड कट्ठे होए जिहड़ा समान कट्ठा होया जिहड़ा NRI ने पैसे भेजे किसी भी चीज़ का ये उन्होंने जरूरी नहीं समझिया वो तो कैबिनेट मंत्री महकमे
ਵੰਡ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਫਲਾਣਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹੜਾ ਲਊਗਾ ਦੂਜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹੜਾ ਲਊਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹੜਾ ਲਊਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੰਡ ਵੰਡਈਆ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪਰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦੀਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 9 ਵਜੇ ਅਤੇ 9 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮੀ 5:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹ ਦੌਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛਾਨਣੀ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੜਨ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਐਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੌੜੀਆਂ ਹੇਕਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੌਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰ ਲਏ ਹਕੂਮਤ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਨੰਗੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਆ ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਣੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਟੱਕਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਗਾਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ 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 ਮਿਹਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਕਣੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਹਣਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਹੰਢਾਇਆ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਸੀ ਸਵਾਲ ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਸ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਹੀ ਲਏਗੀ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਵਧੇਰੀ ਖਬਰਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹੈਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ